और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन? अच्छा, वो बताएंगे। इसके राइट साइड में एक्सेलेटर है, लेफ्ट में ब्रेक है और एक छोटा सा बटन होता है। अभी आज मैं आया हूँ गुड़गांव में, यहाँ पे एक स्पिट शॉप है, यहाँ पे स्काई कार्टिंग है, तो गो कार्टिंग भी आप कहते हो, तो आज गो कार्टिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको कि गो कार्टिंग में कैसा लगता है और कैसा आपका एक्सपीरियंस दिखाएंगे, अपना शेयर करेंगे और आप भी कीजिए हमारे साथ। तो चलिए फिर 11 बजे गो कार्टिंग के लिए। फिट शॉप में मैं सोचा कुछ स्नैक्स खा लिए जाए और ये स्नैक्स खाए जा रहे हैं, ये कॉर्न है और साथ में डिजिटल ऑयल ड्रिंक है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए सर कलर काफ़ी अच्छा कलर है। तो अभी थोड़ी देर में 4:30 बजे नंबर आ जाएगा गो कार्टिंग के लिए, तो फिर चलते हैं गो कार्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसा है। तीन टाइम पे जाना लगे, कैसे जाना लगे, यहाँ पे कार्ड ऑटोमेटिक भी होती है। और अगर आप कार्ड किसी को बार बार वेट कर रहे हैं तो बिना दो बार वार्निंग दी जाती है, उसके बाद बिना वार्निंग के सीधा डिस्कॉलिफ हो जाएगा। और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन चलाना है वो? अच्छा, वो बताएंगे। तैयार हो गो कार्टिंग के लिए और इसमें अभी हेलमेट पहन लिया है और इंस्ट्रक्शंस बता दिए किए हैं और साइन कर दिए हैं उसके ऊपर, वो एग्री विद ऑल द कंडीशन। वेटिंग चल रही है, नेम और नंबर चेक करके बैठने का। तो ये है बैठ गए हैं और ये के राइट साइड में जो है ये ग्रीन कलर की ये एक्सेलेटर है और लेफ्ट साइड में एक ये पैडल है, ये वाला ये इसकी ब्रेक है और ये छोटे छोटे से इसके ये वाले टायर्स हैं और ये है स्टीयरिंग। और चलते हैं अभी, और इसके एक राइट साइड में एक छोटा सा ये बटन है ग्रीन कलर का, जिसको आप प्रेस करोगे तो आप बैक कर सकते हो। और ये वार्निंग के लिए तैयारी है पूरी। ये है ट्रैक और ये चलने वाले हैं हम। चल पड़े हैं, तो अभी ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे हमें ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और उसके बाद में हम चल पड़ेंगे। और ये है ये भैया, ये चल गई है गाड़ी, तो ये है ऐसे बहुत हार्ड स्टीयरिंग है और बहुत है ये ओह
अटक गई है। तो ये बहुत ही बहुत मज़ा आ रहा है। स्टीयरिंग थोड़ा सा इसका हैवी है और बड़ा ध्यान से इसको आपको चलाना है तो, लेकिन आपको ये मैं एडवाइस दूंगा कि ये कुछ खा पी के चलाने वाली चीज़ है। इसको घुमाने के लिए पूरी ताकत चाहिए आपको, फिर ही आपको मतलब परौंठे शरौंठे खा के आओ और फिर गो कार्टिंग करो ताकि आपके अंदर जान हो इसका स्टीयरिंग घुमाने के लिए। और ये मेरे ख्याल में आखिरी राउंड है और तो इसके साथ ही ये हमारा हो गया है ख़त्म राउंड। और ये चलते हैं सीट बेल्ट और निकलते हैं बाहर। बहुत ही तो ये था गोकार्ट और अच्छा रहा काफ़ी, लेकिन ये है कि हाँ स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए इसको चलाने के लिए। बहुत इसके छोटे छोटे टायर हैं, ये देखो वो बहुत मोटे टायर हैं और अच्छा पूरी एकदम रेसिंग कार चलाने का जो आनंद है वो आता है इसमें। Oh.
कटिंग हो गया है जिसको कि स्काई कटिंग भी बोलते हैं यहाँ पर, और इसका स्टेयरिंग काफ़ी हैवी था फिर भी ट्राई किया है, लेकिन हाँ फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में नहीं आया हूँ। इसमें ये है कि अगर आप जल्दी कवर करते हैं पूरा लूपिंग जो है जल्दी कवर करते हैं तो आपको एक राउंड और चलाने को मिलता है, तो जो कि मैंने फर्स्ट टाइम चलाया तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था, मुझे सेकंड टाइम मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने उतने टाइम में कवर नहीं किया पूरा बिल्कुल पूरी लूपिंग जो थी। तो ये टोटल जो है ये 600 प्लस टैक्सेस में मुझे ये 6 मिनट का ये लूपिंग जो थी ये मिली यहाँ पे। और ये पिट आउट जो ये गुड़गांव में है ये ऑस्टर जो वाटर पार्क है उसके बिल्कुल ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे बॉलिंग और भी कई एक्टिविटीज़ हैं और बियर शॉप है और रेस्टोरेंट है फ्लोर है वहाँ पे ग्लो कार्टिंग है जिसको ये स्काई कार्टिंग कहते हैं। तो गेम काफ़ी सारी इनके पास कार्ड्स हैं और लेकिन यहाँ पे वेटिंग होती है, अगर आप सैटरडे संडे आ रहे हो तो आपको जल्दी मतलब जहाँ पहले आके आप बुक करा सकते हो, अदरवाइज बहुत लंबी वेटिंग हो जाती है शाम तक आपको वेट करना पड़ता है। तो मैंने कर लिया है, तो आपको होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलते हैं फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक बाय बाय, टेक केयर।